गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है, देखिए 5 बजे का टाइम हो रहा है। मैं लगा रही हूँ पोछा, तो मैं पूरे घर का पोछा लगा, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं ब्लॉग बनाती हूँ। सुबह सुबह बहुत जल्दीबाजी रहती है, इसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो मेरी बेटी उठ गई थी, मेरे बेटा स्टैंड लगाने का टाइम नहीं है, थोड़ा तुम ही ले लो, तो वही ली। तो पूरे घर का लग चुका था, ये थोड़ा सा आगे वाला रूम का बचा था। और ये मैं दिखा रही हूँ सब्जियाँ, सब्जी ये मैं रात को ही काट कर मैंने भुजिया भाजी आलू और परवल की रख दी थी। और ये है मेरे कपड़े जो रात को मैं धुल कर फिर चेयर वगैरह हर जगह मैं डाल देती हूँ। मैं मशीन बहुत कम लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, थोड़े कपड़े रहते हैं तो मैं हाथ से धुल कर चेयर वगैरह पर डाल देती हूँ, सूख जाते हैं। फिर मैं देखे नहा वहा कर वो कपड़े उतारे, नहा वहा कर आए तो इधर उधर जो कपड़े पड़े थे वो उतारे। और फिर उसके बाद मैं बाल बाल सब बनाने लगी नहा कर आने के बाद। और पूजा मुझे नहीं करना था, मेरी सास करेंगी पूजा। हर लेडीज़ की मंथली प्रॉब्लम रहती है, तो वही प्रॉब्लम है, तो इसके वजह से मैं पूजा नहीं कर पाई। तो इस फिर मैं अपना सब बाल बाल बना कर मैं सीधे किचन में। ये मेरा डेली का इतना मेरा रहता है, ये थोड़ा क्रीम लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ और ये लगा कर देखिए नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होगा। ये मेरा डेली का रहता है। फिर मैं सीधे आप लोग से किचन में मिलती हूँ। तो इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 6:45 हो रहे हैं और मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए टिफ़िन। तो उस भाई बेटी की फरमाइश थी कि मम्मी पोहा बनाओ, तो वही मैं पोहा बना रही हूँ उसके लिए। तो ये मेरे और बेटी के लिए और हस्बैंड के लिए, दो जन के लिए मैं अभी फ़िलहाल पोहा बनाऊँ, क्योंकि सुबह 6:45 पोहा ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हस्बैंड भी जल्दी जाते हैं, तो फिर दोनों बाप बेटी का मैं इकट्ठा ही बना दूँगी। तो उसको थोड़ा टिफ़िन दे दूँगी और अपने हस्बैंड के लिए रख लूँगी। तो देखिए मैंने आलू प्याज दोनों ले लिया है और मैंने जलाया है गैस। गैस में तेल डालकर मूंगफली में भून लूँगी। पहले मूंगफली फ्राई करके निकाल लेती हूँ और तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक प्याज में कट कर लेती हूँ। और सुबह का टाइम ऐसा रहता है ना, बहुत जल्दीबाजी, मतलब लगता है कि बहुत लेट हो रहा है। फिर मैं उधर पोहे क्या आलू प्याज छौंक कर फिर मैं इधर बेटी को, मैं सुबह अपनी बेटी को सुबह 2 बादाम और 2 कप में उसको देती हूँ। पूरा भरती नहीं हूँ, थोड़ा खाली रहता है। बहुत रो चिल्लाती है मेरे को दूध नहीं पीना, तो भी डांट डपट कर मैं उसको पिलाती हूँ दूध। और फिर उसके बाद देखिए उसका बाल बना रही हूँ। तो कल का बाल वॉश की हुई थी तो ऑयल नहीं लगा हुआ था उसके बाल में, तो वही मैं उसके बाल में ऑयल लगा रही हूँ। और उसके स्कूल में कंपल्सरी रहता है 2 चोटी रिबन से बना कर जाना, मतलब 2 चोटी बना जिसके लंबे वाले से फोल्ड करके बनाना रहता है। अभी आप लोग देखेंगे आगे मैं कैसे फोल्ड करके बनाती हूँ। और ये पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है, लाइट आ रही है जा रही है ऐसा, पर ऐसा हो नहीं रहा था, पता नहीं क्यों मोबाइल में ही अच्छे से लग रहा है, मोबाइल सेट नहीं था। फिर ऐसे मैं बाल बना ली, फिर उसका टिफ़िन देखे मैं पैक कर रही हूँ उसका टिफ़िन। और मैं उसको बोलती हूँ बेटा स्टील के टिफ़िन में ले जाने के लिए, तो बोलती नहीं मम्मी सब मेरी फ्रेंड लोग ऐसे लेकर आती हैं, तो ये टपावेयर का टिफ़िन है, तो वही उसके लिए। इसके बर्थडे में इसको ये गिफ्ट मिला हुआ था, आप लोगों को मैंने दिखाया था दोनों सेटिंग का। और फिर देखिए मेरे हस्बैंड उसका टिफ़िन रख दिए, बॉटल रख दी है, अब ये सैंडल पहन रही है। यहाँ पर महाराष्ट्र में बारिश में सैंडल ही कंपल्सरी रहता है, शू इन लोगों को दिवाली की छुट्टी के बाद जो सेकेंड सेमेस्टर चालू होता है तो उसके बाद से उन लोगों को शू पहन कर जाना रहता है। ब्लैक कलर देखिए मैंने ऐसे फोल्ड करके उसका बाल बनाया है। अब बैग तो बहुत 9th पीरियड का रहता है, पूरा बुक वगैरह 6 में गई है मेरी बेटी, तो बहुत वजन रहता है बैग। और मैं उससे बोल रही हूँ कि आई कार्ड सीधा करो, मेरी सब याद दिलवाती हूँ और बाय कर रही हूँ। देखिए अपने पापा के साथ जा रही हूँ, कभी कभी मैं भी जाती हूँ छोड़ने। देखिए नीचे पहुँच कर फिर उसको, अक्सर वो हमेशा कुछ ना कुछ भूल ही जाती है। फिर उसको देने के बाद, उसको भेजने के बाद फिर मैं वापस सीधे किचन में आ गई हूँ। जो बचा हुआ पोहा है देखिए मैंने कटोरी में डाल दिया, डालकर मैं ढक दूँगी, गर्म रहेगा। फिर कढ़ाई को मैंने वॉश करके फिर सेम कढ़ाई को ही मैंने रख दिया है भुजिया भाजी बनाने के लिए। तुरंत वो जस्ट गई, उसके बाद मैं अंदर आई, तुरंत ही भुजिया भाजी छौंक रही हूँ मैं।
और आज मैंने आप लोग के साथ अपनी सुबह की मॉर्निंग रूटीन में शेयर कर रही हूँ, मैं क्या किस तरह करती हूँ सब सुबह मॉर्निंग में। बहुत जल्दीबाजी रहती है सुबह में, इसलिए मैं सुबह का व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, झाड़ू पोछा ये सब चीज़ों का नहीं कर पाती हूँ। तो फिर अपना मैं बोली चलो आज आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। तो मैंने नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, परवल थोड़ा फ्राई कर लूँगी, फिर उसके बाद आलू डालूँगी। आलू पतली पतली मैंने काटा है, तो एक बार धुल कर रात को धुल कर पानी डाला था, फिर एक बार और धुला, फिर दोबारा धुल कर आलू को छाट कर मैंने निकाल लिया। बाकी जो बचे हुए जो दिखे बचे हुए बर्तन है मैं साथ साथ वॉश करते जाती हूँ कि ज़्यादा फैले नहीं। और किचन मेरे को गंदी, किचन में काम करना पसंद नहीं, इसलिए मैं हमेशा पोछ वोछ कर रखी रहती हूँ अपना किचन। तो देखिए लगे आते जो दो चार बर्तन हुए थे वो मैंने धुल कर हटा दिया, और ये बॉटल रखा हुआ था तो बॉटल को भी थोड़ा सा साबुन लगा कर माँज कर पानी रख दूँगी कि भरा पानी रहता है तो कभी भाजी में डालना पड़े, कभी कुछ आटा गूंथना रहे। फिर मैं ये टॉवल रखी हूँ, इसमें मैं पोछ लेती हूँ हाथ को, मैं रखी रहती हूँ कि हाथ वाथ पोछने में काम आएगा तो मैं रखी रहती हूँ। अब पोछा लगाई थी तो फिनाइल मेरा बाहर ही खड़ा था, मैंने आलू भी डाल लिया भुजे भाजी में, और फिर उसको फिर ढक दूँगी। और देखिए मैं आटा सान रही हूँ, और इधर हो गया है चाय का टाइम, हो रहा है 6:30-7:15 के बीच में। हस्बैंड मेरे चाय पीते हैं क्योंकि वो जाते हैं तो उनको आदत है पीने की, तो और फिर उसके बाद ससुर भी मेरे पीते हैं, तो दोनों जन के लिए मैं रख रही हूँ चाय। और ये टाइम हो रहा है 6:45 का, देखिए फटाफट कर रही हूँ। अब हालांकि मैं सब्जी वगैरह रात को ही कट करके रख देती हूँ, उसके बावजूद भी बहुत जल्दीबाजी रहती है। अगर पूजा मेरे को करना रहता है तो और मैं जल्दी उठती हूँ, समथिंग 4:45 या कभी कभी 4:30 को ही उठ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा पूजा वूजा में टाइम लगता है, तो इसके लिए मैं जल्दी उठ कर के पूजा निपटा लूँ। और मेरे को नहा धोवा कर ना सीधे पूजा करने का मन करता है, ऐसे किचन में आओ लहसुन प्याज का उसी हाथ से बनाओ फिर बाद में पूजा करो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले ही कर लूँ पूजा, अगर कभी कदार नहीं कर पाती हूँ तो फिर मैं सबको भेज लेती हूँ, तो फिर मैं हाथ पैर धोकर कपड़े चेंज करके फिर मैं पूजा करती हूँ, पर मैं ज़्यादातर पहले ही कर लेती हूँ। और देखिए फटाफट आटा गूंथ रही हूँ, उधर चाय भी हो रही, चाय मैंने दूध डाल दिया है। और मेरा व्लॉग आप लोग को कैसा लगता है आप लोग प्लीज़ बताइए। और मैंने आटा गूंथ लिया, हाथ जोड़ ऐसे लास्ट में आटा गूंथने के बाद हाथ जरूर जोड़ना चाहिए। मेरे हस्बैंड नहा वहा कर आ गए तो मैं उनको फटाफट नाश्ता, देखिए मैंने जो पोहा रखा था ना वो मैंने नाश्ता उनको दिया, चाय भी दे देती हूँ। तो फिर ससुर जी को लग गई बाथरूम तो वो चले गए, वो क्या चल नहीं पाते हैं तो उनको ले जाना पड़ता है, तो सास लेकर गई, तो फिर मैंने उनका कप साइड में रख दिया और हस्बैंड को छान कर दे दिया। और मैं कढ़ाई खाली कर रही हूँ, उसी हाथ लगे मैं कढ़ाई को भी माँज लूँगी, तो खाली उन हस्बैंड के टिफ़िन में रख दिया उनका ले जाने वाली भाजी, और बाकी जो एक्स्ट्रा जो भाजी थी वो मैंने कटोरी में डाल कर ढक कर रख दिया। और फिर मैं बना लूँगी रोटियाँ, देखिए मेरा स्टैंड कितना चमक रहा है। मैं ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है काम करना, मैं एक भी काम करती फिर तुरंत पोछती हूँ, एक भी काम करती हूँ मैं तुरंत पोछती हूँ। बर्तन ऐसे धुल कर साइड में रख देती हूँ कि पानी निकल जाता है, मैं तुरंत स्टैंड में लगा देती हूँ, फैला नहीं रहता है मेरा, टॉली में मैं तुरंत लगा देती हूँ। मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, कभी पराठे ले जाते हैं कभी रोटी ले जाते, ज़्यादातर रोटी ले जाते हैं। और मेरी सास आ गई हैं भगवान जी लोगों का बर्तन मांजने के लिए, तो देखिए लड्डू गोपाल दिख रहे हैं धीरे से, मैंने सब साइड कर लिया है, छूना नहीं रहता है इसके लिए। और कितने लोग के घर में मतलब 3 तक खाना वगैरह नहीं बनाते हैं, पर क्या करूँ मेरे घर मजबूरी है, तो फिर मैं बनाती हूँ खाना। सास मेरी बोलती सब तो भगवान की देन होती है, तो फिर मैं बनाती हूँ। पहले जब शादी करके नई आई थी तो 1-2 साल तक नहीं बनाई थी, फिर मैं बनाने लगी क्योंकि नहीं हो पाता है, सब एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो इसलिए करना ही पड़ता है। और मैं जल्दी जल्दी सेक रही हूँ रोटियाँ, मैंने बस उन्हीं भर 5 रोटी मैंने सेका, सेक कर फिर कभी 4 कभी 5, और फिर देखिए मैंने उनका टिफिन कर दिया है रेडी।
अब वो भी जा रहे हैं, उनको मैं बोल रही हूँ बाय। देखिए बारिश होने लगी तो हमारे ऊपर है विशाल भैया, तो उनके साथ बाइक पर जा रहे थे, लग रहे विशाल जी तो है। उन्होंने अपना रेनकोट, उनके पास एक्स्ट्रा रेनकोट था, तो बोले भैया आप पहन लो, वो छतरी भी लिए हुए थे। फिर मैं अंदर आ गई, अंदर आकर जो चद्दर वदर उनका, मैं तुरंत उठती हूँ तो अपना फोल्ड कर देती हूँ, और ये सब हैं कल के कपड़े तो ये सब सूख गए हैं, तो मैं उतार कर फिर जो आज वाले कपड़े हैं जो रात को मैंने डाला था वो अच्छे से गीला रहते हैं, सूख नहीं पाता है। फिर मैं अंदर, ये रस्सी बंधी हुई है तो ये इस पर जो से पानी निकल वकल जाता है तब ऐसे मैं डाल देती हूँ, पंखे से सूख जाएगा, बारिश में बहुत प्रॉब्लम होती है कपड़े सुखाने में। और जो सूख गए हैं कपड़े कल के वो सब मैं, थोड़ी साड़ी मेरी ये वाली थोड़ी गिल्ली लग रही है तो मैं इसको वापस डाल दूँगी, डंडे से डालना पड़ता है। हेलो, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग फैमिली। तो मेरे, आप लोगों ने देखा कि मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने पोछा लगाया, मैं भाजी रात को ही काट दिया था मैंने, फिर अपनी बेटी को स्कूल भेजा, फिर मैंने हस्बैंड को अपने ऑफिस भेजा, ब्लॉग चालू किया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार मैं बोलूँगी, मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा। और औरतों को बहुत काम होता है, आदमी लोग तो, कोई कोई आदमी लोग बोलते हैं अरे तुम क्या करती हो, ऐसे बोलते हैं, पर औरतें आदमी से ज़्यादा औरतें काम करती हैं। सुबह से जो कंटिन्यू लगी रहेंगी थोड़ा दोपहर को एक दो घंटे, मैं खुद अपना बता रही हूँ कि मैं सुबह 5 बजे मॉर्निंग में उठी हूँ, वो 5 बजे इसलिए मैं उठी, मैं और जल्दी उठती हूँ क्योंकि मुझे पूजा नहीं करना है, मेरी सासू माँ पूजा करेंगी। हर लेडीज़ की मंथली प्रॉब्लम रहती है ये, तो मेरी सासू माँ पूजा करेंगी, अगर पूजा मुझे करना रहता है तो मैं 4:30-4:30 ऐसे में उठती हूँ। फिर वही लगे, आप लोगों ने देखा मेरे वीडियो के थ्रू, तो ये मेरा रोज़ का रूटीन रहता है, इतना कि नहीं मुझे ये करना ही करना है। मेरे हालांकि मैं रात को भाजी वगैरह जो सुबह में मुझे बनाना है मैं सब काट वाट कर सब रख लेती हूँ, सुबह में ही मैं, रात को ही मैं सब रख देती हूँ, कितना भी लेट हो 11 बजे 12 बजे मैं रख काट कर ही तब भाजी वाजी रेडी करके, केवल मुझे उठकर छौंकना रहता है बस, नहा वहा कर किचन में मतलब जाऊँ गैस के साइड, नहा वहा कर सब चीज़ करके तो मैं बस भाजी को छौंक देती हूँ, इतना काम कर रही हूँ। फिर सुबह से वही रूटीन, रोज़ लगे रहो। तो अगर ये मेरा वीडियो आप लोग से बोलूँगी तो अच्छा लगे, मेरा मॉर्निंग रूटीन, मैं मॉर्निंग में क्या क्या करती हूँ, अपने हस्बैंड को भेजने के बाद फिर मैंने अपने सास ससुर के लिए नाश्ता, तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी आपको। जस्ट मैं तुरंत ही मैंने ब्लॉग चालू कर दिया है, लास्ट मतलब जहाँ से मैंने खत एंड किया है फिर वहीं से मैंने जस्ट तुरंत मैंने चालू कर दिया है। और इस टाइम हो रहे हैं 10:30 तक, अभी मेरे को रोटी बनाना है और भांजे के लिए मुझे टिफ़िन में पराठे बनाने हैं। अब मेरा ये इतना काम, अभी इतना काम क्या, मुझे अभी दोपहर को 2:30 बजेंगे, अभी मुझे आधे घंटे मेरे पास है, अभी 11 बजे भांजे मेरे आ जाएंगे। तो थोड़ा सोच रही हूँ अपनी वीडियो एडिट करके डालूँ तभी तो आप लोग के पास पहुँचेंगे। तो मैं अभी जो मैंने मॉर्निंग रूटीन बनाया है तो मैं भी जा रही हूँ वीडियो अपलोड करने, और ये वीडियो आप लोग को तुरंत आज ही मिलेगा, और उसके बाद जो मैंने तुरंत स्टार्ट किया है ब्लॉग अपना वो आप लोग को कल मिलेगा। तो चलिए मैं अपना एडिटिंग करती हूँ और आपसे बोलती हूँ बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, ये ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, बाय बाय।